सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शंकर के अवतार खांडोबा जी के बारे में। भगवान खांडोबा को खंडेराया, मल्हारी, मार्तंड आदि नामों से भी जाना जाता है। जेजुरी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक स्थित नगर है। यह खांडोबा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश की बहुसंख्यक जनता इन्हें कुल देवता मानती है। इनकी उपासना निम्न वर्गीय समाज से लेकर ब्राह्मण तक सभी करते हैं। इनके आयुधों में खड़ग यानी खांडे का विशेष महत्व है और इसी खांडे के कारण इनका नाम खंडोबा पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ने मणि और मल्ल नामक दो दैत्यों के संहार के लिए खंडोबा का अवतार लिया था। लोग उन्हें शिव अथवा उनके भैरव रूप का अवतार बताते हैं। खांडोबा परिवार में कुत्ते को भी विशेष स्थान प्राप्त है और कुत्ता भैरवनाथ का वाहन है। कहा जाता है कि खांडोबा के कुत्ते का नाम बाध्या है। मल्हारी महात्म्य और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के लोकगीतों तथा साहित्यिक कृतियों में खंडोबा का उल्लेख है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कृतयुग में मणिचूल पर्वत पर धर्मपुत्र सप्त ऋषि तप कर रहे थे। वहां मणि और मल्ल नामक दो दैत्यों ने आकर उपद्रव करना शुरू किया और ऋषि के तपोवन को ध्वस्त कर दिया। शोक से ग्रस्त होकर ऋषि इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता ने बताया कि मणि और मल्ल दोनों राक्षसों को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे रखा है, जिसके कारण उन्हें अपरिमित शक्ति प्राप्त है। इस कारण वे उनका वध करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने ऋषि से कहा कि आप भगवान विष्णु या भगवान शंकर की सहायता लीजिए। ऋषि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि इन राक्षसों का अंत भगवान शंकर के द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव ने जब इन राक्षसों के अत्याचारों के बारे में सुना तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मणि और मल्ल के विनाश के लिए मार्तंड भैरव का रूप धारण किया। भगवान शिव ने राक्षसों का संहार करने के लिए कार्तिकेय के नेतृत्व में अपने 7 कोटि गणों को लेकर मणिचूल पर्वत की ओर चढ़ाई की। वहां उनका मणि और मल्ल के साथ युद्ध हुआ। भगवान शिव का मार्तंड भैरव के रूप में यह अवतार देखते ही बनता था। भगवान ने नंदी बैल की सवारी की हुई थी। मार्तंड भैरव सोने और सूरज की तरह चमक रहे थे। वे हल्दी से ढके हुए थे। उनके 3 नेत्र थे। माथे पर उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ था। भगवान शंकर का यह रूप अत्यंत सुंदर था, लेकिन सुंदरता के साथ साथ यह रूप क्रोध से भरा हुआ था। खड़गधारी भगवान खंडोबा का मणिमल्ल के साथ युद्ध हुआ। अंत में मार्तंड भैरव ने मणि के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। मृत्यु के समय उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसे अश्व के रूप में अपने निकट रहने की अनुमति दें। भगवान शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। कहीं कहीं पर कहा गया है कि यह अश्व मणि ने भगवान शिव को भेंट स्वरूप दिया। बहरहाल भगवान शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। मणि ने मृत्यु के समय मानव जाति की भलाई के लिए भगवान से वरदान मांगा। खंडोबा ने खुशी से यह वरदान दिया। दूसरे दानव ने मृत्यु के समय भगवान से मानव जाति का विनाश मांगा, जिससे भगवान खंडोबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसका सिर काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ताकि मंदिर में प्रवेश करते समय भक्तों द्वारा उसका सिर निरंतर अनंत काल तक कुचला जाता रहे। हालांकि मल्ल ने मरने से पहले भगवान से अनुरोध किया था कि आप मेरे नाम से अपना नाम जोड़कर विश्व में विख्यात हूँ। भगवान ने उसका यह अनुरोध मान लिया था, इसलिए भगवान खंडोबा मल्लारी नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार मणि और मल्ल की मृत्यु से समस्त ऋषिगण भयमुक्त हुए। सप्तऋषि ने भयमुक्त होकर मार्तंड भैरव से स्वयंभू लिंग के रूप में प्रेमपुर यानी पैम्बर में रहने का अनुरोध किया और भगवान शिव ने उनका यह अनुरोध भी मान लिया। इस प्रकार मल्लारी की कथा प्रचलित हुई। मल्लारी अर्थात खंडोबा को श्वेत अश्व पर आरूढ़ अंकित किया जाता है और उनके साथ उनका कुत्ता भी रहता है। उनके हाथ में खड़ग और त्रिशूल होता है। इसी खड़ग को खंडा कहा जाता है, जिसके कारण भगवान शिव के मार्तंड भैरव के अवतार को खंडोबा कहा जाता है। भगवान खंडोबा की 2 पत्नियों का विशेष उल्लेख किया जाता है, एक महालसा और दूसरी भणाई। महालसा को मोहिनी और पार्वती का संयुक्त अवतार बताया जाता है।
हुआ कुछ यूं था कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो भगवान शिव उन पर मोहित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि वह भविष्य में इसी रूप में उनके साथ विवाह करेंगे। महालसा को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का अवतार माना जाता है। कहीं कहीं पर भाणाई को माँ पार्वती का अवतार माना जाता है और कहीं कहीं ये कहा गया है कि महालसा मोहिनी और पार्वती का संयुक्त अवतार थी और भणई, जिन्हें बनई भी कहा जाता है, ये गंगा जी अथवा ब्रह्मा जी की पुत्री का अवतार थी। युद्ध में महालसा और भणई दोनों ने खांडुबा की सहायता की थी और खांडुबा के कुत्ते ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मणि के रक्त गिरने से मणि के समान दूसरा राक्षस उत्पन्न हो जाता था। महालसा और भणई इस रक्त को साफ करने का कार्य कर रही थी। कहा जाता है नया दाना उत्पन्न ना हो, इसलिए खांडोबा का कुत्ता सारा खून झटपट निकल जाता था। देवी महालसा को अक्सर भगवान खांडोबा के साथ युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार भगवान खांडोबा के कुत्ते बाध्या ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कथाओं में भगवान खांडोबा की अन्य पत्नियों का भी उल्लेख है। खांडोबा की तीसरी पत्नी राम भाई शिम्पिन एक अप्सरा का अवतार थी, जिन्हें कथाओं में एक दर्जी महिला बताया जाता है। इनको कहीं कहीं पर मुरली भी कहा गया है। यह भगवान खांडोबा की उपासिका बताई गई है। चौथी पत्नी फुलई मालिन बताई गई है, जो कि खांडोबा की परम भक्त है। पांचवी पत्नी के रूप में कंडाई भगवान, जो कि एक तैलिन है, का जिक्र होता है, जिसे तेल बनाने वाली जाति का एक सदस्य माना जाता है। इन्हें मुस्लिम समुदाय में एक मुस्लिम के रूप में मान्यता दी गई है। सारे दक्षिण में बाध्या और मुरली नाम के खंडोबा के उपासकों का दो वर्ग प्रख्यात है। ये लोग घूमते फिरते हैं या फिर भिक्षा मांगकर खाते हैं। खंडोबा के संबंध में कहा जाता है कि खंडोबा की उपासना कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों स्थानों पर होती है। कर्नाटक में खंडोबा मल्लारी, मल्लारी मारतंड, मैलार आदि नामों से जाने जाते हैं। कर्नाटक में उनके 12 प्रसिद्ध स्थान बताए जाते हैं। मद्रास के उपनगर मैलापुर के संबंध में कहा जाता है कि मूलतः उसका नाम इन्हीं के नाम पर मैलारपुर था। दक्षिण में कुछ मुसलमान उन्हें मल्लू खां के नाम से भी पूछते हैं। महाराष्ट्र में इनके कन्नड़ नाम मैलार का संस्कृतकरण करके मल्लारी महात्म्य नाम से एक ग्रंथ की रचना हुई है। कहा जाता है खांडोबा ने अपनी दोनों प्रमुख पत्नियों महालसा और भणई को पहाड़ी दो हिस्सों में बांटकर दे दी थी। पहाड़ी का ऊपरी आधा भाग महालसा को और निचला आधा भाग बनाई को दे दिया गया था। जेजुरी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक स्थित नगर है। यह खांडोबा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मराठी में इसे खांडोबाची जेजुरी कहा जाता है, यानी के खांडोबा की जेजुरी। जेजुरी में पहाड़ी की चोटी पर मुख्य मंदिर में महालसा की मूर्ति खांडोबा के साथ रखी गई है। बनाई के लिए एक अलग मंदिर पहाड़ी में नीचे की तरफ स्थित है। खांडोबा का मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर पहुंचने के लिए 200 के करीब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहाड़ी से संपूर्ण जेजुरी का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। चढ़ाई करते समय मंदिर के प्रांगण में स्थित दीपमाला का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। जेजुरी अपनी प्राचीन दीपमालाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मल्ला और मणि पर खांडोबा की जीत को मनाने के लिए प्रतिवर्ष एक 6 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है। मार्गशीर्ष के हिंदू महीने में इसका आयोजन किया जाता है। मेले के अंतिम दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। मंदिर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जहां श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा भजन इत्यादि में भाग लेते हैं, जबकि दूसरा भाग गर्भगृह है, जहां खंडोबा की चित्ताकर्षक प्रतिमा विद्यमान है। इस मंदिर में पीतल से बना हुआ कछुआ भी है। मंदिर में ऐतिहासिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण हथियार भी रखे गए हैं। जब कभी भी वर्ष में सोमवती अमावस्या पड़ती है तो विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस दिन यहाँ पर हल्दी से होली खेली जाती है। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। दशहरे के दिन भी यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। खंडोबा की मूर्ति एक घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में है। उनके हाथ में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी खड़क दिखाई गई है। खांडोबा को एक उग्र देवता माना जाता है और इनकी पूजा के कड़े नियम होते हैं।
भक्त बताते हैं कि खंडोबा बच्चे के जन्म और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मणि और मल्ला पर उनकी जीत को मनाने के लिए एक 6 दिवसीय मेला जेजुरी में हर साल आयोजित किया जाता है। अंतिम दिन को चंपा षष्ठी कहते हैं और इसी दिन व्रत किया जाता है। रविवार और पूर्णिमा के दिन को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। जेजुरी ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज अक्सर इसी मंदिर में अपने पिताजी शाहजी राजे भोसले से अकेले में मुलाकात करने आते थे। यहाँ उत्सवों में 42 किलो की तलवार को दांत से उठाने की परंपरा है। कुछ लोगों के अनुसार यह तलवार खंडोबा की है और कुछ लोग इस तलवार को शिवाजी महाराज से जोड़ते हैं। उनके हिसाब से शिवाजी महाराज के सम्मान में उनकी 42 किलो की तलवार को दांत से उठाने की परंपरा आज भी जारी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में यहाँ विशेष यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। पुणे से यह स्थान लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सड़क और रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है। भगवान खंडोबा को एक उग्र देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा के नियम बेहद कड़े हैं। किसी साधारण पूजा की तरह उन्हें हल्दी और फूल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी बकरी का मांस भी मंदिर के बाहर भगवान को चढ़ाया जाता है। मराठी में किसी बड़े को सम्मान देते हुए नाम के बाद बा, राव या राया लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें खंडोबा, खंडे राया और खंडे राव के नाम से भी पुकारा जाता है। जेजुरी को सोनियाची जेजुरी के नाम से भी जाना जाता है। कारण है कि सोमवती अमावस्या के समय जब यहाँ हल्दी से होली खेली जाती है तब यह स्थान पूर्ण रूप से पीला हो जाता है और सोने की तरह दिखाई देता है। सारा वातावरण स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य देखते ही बनता है। साथियों, आप में से अगर कोई खंडोबा मंदिर के हल्दी उत्सव का आनंद लेना चाहता है तो आप वहां पर सोमवती अमावस्या को जा सकते हैं, यानी कि वह अमावस्या जिस दिन सोमवार पड़ता है। यह साल में कभी भी आए, इस दिन इस मंदिर में यह हल्दी उत्सव आयोजित होता है जिसमें हल्दी की होली खेली जाती है और यह दृश्य अत्यंत ही मनोहर होता है। आशा करता हूँ खंडोबा ची जेजुरी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। भगवान खंडोबा के संबंध में जो कथा मैंने आपको सुनाई उससे आप अवश्य ही रोमांचित हुए होंगे। आगे भी इसी तरह के वीडियोस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।